हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, हम पिछली वीडियो में फैसिलिटी मैनेजर रेजिडेंशियल साइट के लिए जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके रिगार्डिंग बात कर रहे थे। तो मैंने लास्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं उसके आगे के 8 या 10 क्वेश्चन बताता हूँ, जिनमें से मैंने यहाँ लिखे हुए 8 या 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन जब पूछे जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल के आता है और करीब करीब 14-15 क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए उनके बारे में बात करते हैं, आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है FM फैसिलिटी मैनेजर इंटरव्यू रेजिडेंशियल साइट के लिए पार्ट 2, और यहाँ जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो 16 नंबर से हो रहे हैं। 15 नंबर तक यानी 15 क्वेश्चंस में इससे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। पहले क्वेश्चन के लिए बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है, जब कभी भी कोई इंटरव्यू होता है तो उसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन में से क्वेश्चंस निकल करके आते हैं, तो मैं उनको समराइज भी किया हूँ कहीं कहीं, कि जैसे 2 या 3 क्वेश्चंस का सिंगल में आंसर दिया हूँ, तो ऐसा भी होता है। और कभी भी जब इंटरव्यू होता है तो वो डीपली नहीं जानता, कोई भी इंटरव्यूअर आपसे बिल्कुल डीपली नहीं जानना चाहता, वो ये जानना चाहता है कि क्या आप उसके बारे में जानते हो, और अगर जानते हो तो आप उसे किस तरीके से बताते हो, और उसके बारे में आप कितना जानते हो। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा है, सॉफ्टनर कैसे काम करता है। अब फ्रेंड्स ये है, सॉफ्टनर कैसे काम करता है, तो इसका क्या अर्थ मैं लगाऊं क्वेश्चन का, कि वो मुझसे क्या पूछना चाहता है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली सॉफ्टनर कैसे काम करता है, तो उसको डिटेल में नहीं बताना है कि भाई रेजिन में से पानी गुजरता है, ऐसे जाता है वैसे जाता है, तो वो ये नहीं जानना चाहता। एक फैसिलिटी मैनेजर से वो ये जानना चाहता है कि सॉफ्टनर के अंदर रेजिन के साथ कैसी क्रिया होती है, क्या क्रिया होती है जिससे वो जो सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के जो अशुद्धि होती है या हार्डनेस होती है वो दूर होती है। वो उस क्रिया के बारे में जानना चाहता है, और वो क्रिया आप बिल्कुल डिटेल में ना भी बताओगे तो चल जाएगा, लेकिन उसको बेसिक बता दो और उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 17वां क्वेश्चन है, बिल्डिंग के लिए कंप्लायंसेस क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले हम इन 2 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, सॉफ्टनर कैसे काम करता है और बिल्डिंग के लिए कंप्लायंसेस क्या क्या होती हैं। फ्रेंड्स वो ये जानना चाहता है कि सॉफ्टनर कैसे काम करता है, तो हम उसके लिए उसको बेसिकली बताएंगे कि क्या काम करता है। देखिए होता क्या है, जब सॉफ्टनिंग प्रोसेस है यानी जब पानी सॉफ्ट किया जा रहा है तो क्या क्या क्रिया होती है, तो ये R है फ्रेंड, R डिनोट करता है रेजिन को, रेजिन के साथ सोडियम दिखाया गया, क्योंकि जब रेजिन चार्ज होता है फर्स्ट इनिशियली जब सॉफ्ट पानी को सॉफ्ट कर रहा है तो उस समय रेजिन चार्ज है, और जब रेजिन चार्ज होता है तो रेजिन के साथ में सोडियम होता है Na, जब रेजिन के साथ में Na जुड़ा हुआ होगा तो यानी RNa है, और RNa चाहे तो यहाँ CO3 हो चाहे कैल्शियम कार्बोनेट हो, तो मींस ये है कि हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम हटाना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो इनमें से कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिका ये हटानी होती है हार्डनेस के लिए। तो फ्रेंड्स जब रेजिन सोडियम से चार्ज है उस समय जब ये क्रिया करेगा तो जो इसका कैल्शियम है वो जो रेजिन है वो पकड़ लेगा उसको, मतलब उसके साथ क्रिया करके वो अपने साथ उसको मिला लेगा। आर पर जो आ जाएगा रेजिन के साथ आ जाएगा कैल्शियम, और जो सोडियम है ये सोडियम यहाँ फ्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सोडियम फ्री हो जाएगा, तो जो क्रिया होगी उसमें और भी कुछ बनेगा, पानी बनेगा, NaCO3 बनेगा, H2CO3 बनेगा, या NaHCO3 या पानी भी बनेगा, उसमें क्रिया में बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, जो रेजिन है तो रेजिन के साथ इनिशियली सोडियम होता है, और जैसे ही वो हार्डनेस के साथ क्रिया करता है तो रेजिन के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम जो भी कोई यहाँ कंटामिनेट होगा वो आ जाएगा, और सोडियम यहाँ से फ्री हो जाएगा। ये सोडियम जो फ्री होगा वो पानी में रहेगा, यानी जो सॉफ्ट वाटर होगा थोड़ा नमकीन हो जाता है, यानी उसमें सोडियम रहता है। ठीक है, सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। अब जब हम इसको चार्ज करेंगे, यानी R पर CA है, क्योंकि अब मान लो पानी लेते 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 तो कैल्शियम मैग्नीशियम यहाँ रेजिन में बहुत सारा जमा हो जाएगा, तो उसको अब क्या है वो हार्डनेस ज़्यादा निकालने लगेगा, यानी 70 से 60 से या 50 से हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगी, तो उसमें हम क्या करेंगे फिर उसको नमक चार्ज करेंगे। तो नमक क्या होती है, NaCl। जब रेजिन क्या है, आप कैल्शियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम भी हो सकता है मैग्नीशियम भी हो सकता है इसके साथ, तो ये इसके साथ है, ये दोनों होंगे, तो ये क्या है NaCl के साथ जब क्रिया करेगा तो R के साथ फिर से सोडियम आ जाएगा, और अगर यहाँ CA है तो CaCl2, Mg है तो MgCl2 बन जाएगा। ठीक है, यानी ये फिर से चार्ज हो गया और फिर से ये क्रिया तैयार हो जाएगी, तो वो यही जानना चाहता है। तो नॉर्मली हमें ये बताना है उसको, क्योंकि हम वहाँ लिख कर तो नहीं बता सकते कि सर रेजिन के साथ इनिशियली सोडियम होता है, और जैसे ही वो हार्डनेस के साथ क्रिया करता है तो रेजिन जो है
हार्डनेस को यानी सीए और मैग्नीशियम को अपनी तरफ आकर्षित करता है या उसके उसको कलेक्ट कर लेता है और सोडियम को फ्री कर देता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जब हम उसको जनरेट करते हैं तो वहाँ से सोडियम, जब NaCl ज़्यादा मात्रा में होता है तो सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो CA और मैग्नीशियम की जो हार्डनेस है उसको रिलीज कर देता है और सोडियम को अपने साथ चार्ज, जो रेजिन है वो सोडियम को अपनी तरफ कैच कर लेता है। इसी प्रकार से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चलती रहती है और सॉफ्ट मैनर बनता रहता है। दूसरा क्वेश्चन था कि बिल्डिंग में कौन कौन सी कंप्लाइंसेस हैं, वो यही पूछ रहा था। 17वां क्वेश्चन जो हमारा था वो था बिल्डिंग में कौन कौन सी कंप्लाइंसेस हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्डिंग में कंप्लाइंसेस जो होती हैं वो ये लिखी हुई है मैंने। सबसे पहले होता है CTO, CTO होता है कंसेंट टू ऑपरेट। तो CTO में क्या क्या लिया जाता है, CTO, हैजर्डस वेस्ट और एमिशन ऑफ एयर और नॉइस पोल्यूशन, ये सारे CTO में ही आते हैं। वाटर पोल्यूशन STP से रिलेटेड भी सारा CTO में आता है। तो फ्रेंड्स ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, चाहे तो उसको ऐसा लिखें हैजर्डस वेस्ट और एमिशन ऑफ एयर, और चाहे हम CTO लिख दें। तो नॉर्मली CTO नहीं लिखते हैं हम, यहाँ वहाँ यही लिखा होता है कि हैजर्डस वेस्ट के लिए NOC लेनी होती है और एमिशन ऑफ एयर के लिए NOC लेनी होती है और वाटर या STP के लिए NOC लेनी होती है, तो वो सारा कुछ CTO के थ्रू ही मिलता है। सेकेंड है फायर NOC, तो फायर NOC आप जानते हो। फिर तीसरी है HSD स्टोरेज लाइसेंस, यानी जो हाई स्पीड डीजल होता है उसको जब स्टोर करते हैं 20 KL, 50 KL, 60 KL जो ज़मीन में स्टोर करते हो, स्टोरेज बनाते हो, तो उसके लिए NOC लेनी पड़ती है। और यहाँ NCR में उसका ऑफिस फरीदाबाद में है, हम ऑनलाइन पोर्टल पर उसके जाने के बाद फरीदाबाद से वो NOC मिल जाती है। नेक्स्ट है DG रनिंग लाइसेंस, ट्रांसफार्मर NOC, DG रनिंग लाइसेंस और लिफ्ट NOC, ये फ्रेंड एक ही डिपार्टमेंट से मिलती हैं। DG रनिंग लाइसेंस, ट्रांसफार्मर NOC और लिफ्ट NOC, ये इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट या चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट जिस भी शहर में आप रह रहे हो, जिस नियर बाई जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लेनी होती है। जैसे मैं अगर NCR गुड़गांव की बात करूँ तो गुड़गांव में ही इसका ऑफिस है, वहाँ से ये तीनों एक साथ मिलती हैं, लिफ्ट NOC, ट्रांसफार्मर NOC, DG रन। फ्रेंड्स ये जो है ना अप्रूवल के लिए अलग अलग ही देनी पड़ती हैं, लेकिन एक ही जगह से मिलती है, मीन्स चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट से ही ये तीनों लाइसेंस मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हैजर्डस वेस्ट और एमिशन ऑफ एयर, इसके साथ साथ नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जो आता है वो भी CPCT सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लिया जाता है, वो भी जो है इसी के थ्रू लिया जाता है। अब क्या रह गया फ्रेंड्स, लिखे मैंने हैं बिल्डिंग इंश्योरेंस और पब्लिक लायबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी जब बिल्डिंग इंश्योरेंस होता है तो उसके साथ साथ पब्लिक लायबिलिटी सर्टिफिकेट भी लिया जाता है, दोनों भी कंप्लायंसेज हैं। और 10वां मैंने बताया था लिफ्ट NOC। तो इस प्रकार से ये 1 से 10, या आप वैसे अगर मैं लिखूंगा तो ये और ये और ये एक हो जाएगा और बाकी सब अलग अलग, तो ये 7 या 8 कंप्लायंसेस होती हैं जो ली जाती हैं। अब 18वां क्वेश्चन है CPCB द्वारा बिल्डिंग के लिए क्या नियम हैं, क्या कंप्लायंसेस हैं। तो CPCB इससे कंप्लायंसेस जो हैं फ्रेंड्स, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जोन सा भी है उससे जो ली जाती हैं, तो वो मैंने अभी बताया आपको पहले भी, नॉइस पोल्यूशन, एम्बियंट एयर पोल्यूशन, स्टैक एमिशन और वाटर रिलेटेड, यानी STP और वाटर के लिए रिगार्डिंग जो भी पैरामीटर्स हैं और STP रिगार्डिंग जो भी पैरामीटर्स हैं वो यही फिक्स करता है। तो इसी के द्वारा वो सारी ली जाती हैं और उसके नियम के बारे में, यानी उसके पैरामीटर्स कितने फिक्स हैं, तो उनके जानने के लिए मैंने फ्रेंड्स इनकी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो मैं कार्ड में लगा देता हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा रही बात कि ये कब कब ली जाती हैं फ्रेंड्स, कब चेक किए जाते हैं, कितने पीरियड में हमें चेक कराना चाहिए, तो फ्रेंड्स ये क्वार्टरली चेक होते हैं। एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन क्वार्टरली चेक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ तक उसने ये तो टेक्निकल कर लिया, ये कंप्लायंसेस का कर लिया, अब उसका सवाल आता है क्योंकि बिल्डिंग में होता क्या है फ्रेंड्स, हॉर्टिकल्चर और हाउसकीपिंग ये दोनों कंबाइन होता है, नॉर्मली एक ही बिंदा इसको देखता है इसका डिपार्टमेंट, तो वो उसमें भी पूछना चाहता है क्योंकि वो फैसिलिटी मैनेजर के लिए ले रहा है, तो वो ये भी जानना चाहेगा कि हॉर्टिकल्चर में क्या जानता है और जो हाउसकीपिंग है उसके बारे में क्या जानता है, तो उसके बारे में भी उसने मुझसे पूछा। और उसने क्या पूछा, आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन 19वां पूछा उसने, आपके बिल्डिंग में कौन कौन से प्लांट हैं। ठीक है, उसको नहीं पता मेरी बिल्डिंग में कौन कौन से प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन वो मुझसे जानना चाहता है कौन कौन से प्लांट लगे हैं, मैं बताऊंगा, पहले सारे क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। अगला है, समर सीजन में ब्यूटिफिकेशन के लिए कौन कौन से फूल लगाए जाते हैं या फ्लावर्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अब ऐसे उन्हें देखिए यहाँ दो बनते हैं, समर सीजन में, फिर उसने ऐसे ही मुझसे पूछा विंटर सीजन में कौन कौन से फूल लगाए जाते हैं। ठीक है, पहले पूछा बिल्डिंग में कौन कौन से प्लांट हैं, फिर उसने पूछा समर सीजन में कौन से लगाए जाते हैं, विंटर सीजन में कौन से लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
रिसेप्शन पर कौन कौन से पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, इंडोर प्लांट भी कहते हैं जिन्हें, इंडोर कौन से प्लांट होते हैं। तो फ्रेंड्स फिर उसके आगे ये हाउसकीपिंग का क्वेश्चन आ गया, ये तो हॉर्टिकल्चर तक हो गए हैं, फिर ये हाउसकीपिंग, तो पहले हम इन पे ही बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स उसका क्वेश्चन है बिल्डिंग में कौन कौन से प्लांट होते हैं या आपकी बिल्डिंग में कौन कौन से प्लांट हैं, तो कैसे जवाब देना है। देखिए प्लांट्स में नंबर एक हैज, हैज प्लांट्स होते हैं, यानी हैज लगी हुई होती है, आप देखते हो इतनी ऊंची ऊंची चारों तरफ लगी रहती है, वो हैज होती है। नंबर दो फ्लावर ट्रीज, यानी फूलों के पेड़ हैं जो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, वो उस पर फूल लगते हैं, तो वो ठीक है। तीसरा पाम, पाम बोलते हैं, ठीक है, पाम जिसके बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वो पाम के बहुत सारे पौधे लगे होते हैं, बहुत तरह का पाम होता है, मैं आगे बताऊंगा कितने कैसा कैसा होता है। चौथा मधुमती, मधुमती जो होता है जो बेले टाइप की होती हैं छोटी छोटी, जिन पर फूल खिलते हैं या पत्ते खिलते हैं वो। पांचवा फ्लावर प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स जो बहुत बड़े, जो फ्लावर प्लांट्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं और जो गर्मियों में या सर्दियों में लगाए जाते हैं, मैंने यहाँ आगे लिखा हुआ फ्लावर प्लांट्स में विंटर सीजन में और समर सीजन में। तो जो विंटर सीजन में और समर सीजन में वो सुंदर दिखने के लिए छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लावर प्लांट। तो पांच तरीके के प्लांट हो गए, हैज, फ्लावर ट्रीज, बड़े बड़े पेड़, पाम, मधुमती और फ्लावर प्लांट्स, ठीक है, पांच प्रकार के पेड़ हमारे उसमें है। तो ये आप बता सकते हो, आपको उसको डिटेल नहीं बताना, आप ये बताओ। अब जब आप ये बताओगे कि हमारे यहाँ हैज है, फ्लावर ट्रीज है, पाम है, मधुमती है, फ्लावर्स, तो वो इनके नाम भी जानना चाहेगा, कौन से फ्लावर प्लांट्स हैं या कौन से फ्लावर ट्रीज हैं। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। देखिए हैज, नंबर एक हैज कौन कौन सी होती हैं, तो आप हैज भी दो तीन याद रखिए, इनर्मी, पांडा, हेमिलिया, गोल्डन तुरंता और कैरिसा करौंदा, ठीक है, कौन कौन सी मैं रिपीट कर देता हूँ, इनर्मी, पांडा, हेमिलिया, गोल्डन तुरंता, कैरिसा करौंदा। तो नॉर्मली फ्रेंड्स ये दो जरूर मिलेंगी किसी भी बिल्डिंग में, इनर्मी और पांडा, आप इनको नहीं भी बताओगे तो आप दो बता दो, इनर्मी और पांडा, तो ये ज़्यादातर लगी हुई होती हैं और कोई भी यकीन कर लेगा। वैसे आपको गोल्डन तुरंता भी मिल जाएगा, कैरिसा करौंदा भी मिल जाएगा, कैरिसा करौंदा जल्दी नहीं मिलेगा बिल्डिंग के अंदर, ये नहीं लगाया जाता है, तो नॉर्मली ये दो लगी हुई होती हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हेमिलिया भी मिल जाएगा, लेकिन आप याद रखिए हैज के लिए ये चार पाँच पौधे यूज किए जाते हैं, ठीक है। नंबर दो फ्लावर ट्रीज, यानी जो बड़े बड़े फूलों के पेड़ होते हैं, मैंने यहाँ लिखे हुए, देखिए सबसे पहला होता है गुलमोहर, आप बोलते हो गुलमोहर, लेकिन नाम है उसका गोल्ड मोहर। एक होता है गोल्डन सावर, यानी बिल्कुल पीले कलर का फूल होता है और वो आप देखते हो बहुत सारे झड़ जाते हैं नीचे, बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो वो होता है गोल्डन सावर। फिर आता है बहुनिया, बहुनिया में पिंक कलर के फूल आते हैं, इसी प्रकार आता है पलाश, पलाश फ्रेंड्स आपने नॉर्मली देखा होगा, उस पर रेड कलर का फूल आता है, मोटा सा ढाक का पेड़ बोलते हैं उसको, नॉर्मली जो लोकल भाषा में उसको ढाक का पेड़ बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में बोलते हैं पलाश, ठीक है। फिर होता है जकरांदा, नीला फूल आता है इस पर, आपने कहीं कहीं देखा होगा बिल्डिंग के बाहर नीला सा बहुत बड़ा सा पेड़ लगा, उस पर नीले नीले फूल झड़ रहे हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं जकरांदा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप याद रखिए, और ज़रूरी नहीं है आप पाँचों बताएं, अगर इस पाँचों में से आपको दो नाम भी याद रहेगा या एक भी याद रहेगा, ओके। फ्लावर ट्रीज में क्या लगा हुआ, जकरांदा लगा हुआ है, फ्लावर ट्रीज में क्या लगा, गुलमोहर लगा हुआ। तो फ्रेंड्स उनको कलर से भी याद रखिए, क्योंकि वो नॉर्मली पूछ लेगा कि अच्छा गुलमोहर लगा है कैसा कलर होता है, गोल्डन सावर लगा है कैसा कलर होता है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तीसरी चीज़ है पाम, ये बहुत ज़्यादा लगता है, तो पाम के फ्रेंड्स पांच छह प्रकार याद रखिए जो नॉर्मली ज़्यादा यूज किए जाते हैं बिल्डिंग में, जैसे रेबिस, साइकस, फिनिक्स, अरेका, कैन, पोनीटेल और बिस्मार्क, ठीक है, छह सात नाम याद कर लीजिए, आप इनमें से एक या दो भी उसको बता देंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। कौन कौन से पाम होते हैं, रेबिस, साइकस, फिनिक्स, अरेका, कैन और पोनीटेल और एक लिखा मैंने बिस्मार्क, ठीक है। तो ये आपको हो गए फ्रेंड्स, इतने ये आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं, हमने हैज का बात कर लिया, फ्लावर ट्रीज का बात कर लिया, पाम का बात कर लिया, अब मैं बात करता हूँ मधुमती, बटरफ्लाई पी, कौन सा बटरफ्लाई पी, बटरफ्लाई पी, मॉर्निंग ग्लोरी, नाम ही इसका फ्रेंड मॉर्निंग ग्लोरी है, नाइट जैस्मिन, फिर आता है स्टार जैस्मिन, और फिर आता है फ्रेंड्स एक आध और चार हो गए, बटरफ्लाई पी, मॉर्निंग ग्लोरी, नाइट जैस्मिन, स्टार जैस्मिन और एक याद कर लीजिए बोगनवेलिया। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये क्या है, मधुमती हैं फ्रेंड्स, कौन से हैं मधुमती, कौन कौन से हैं, बटरफ्लाई पी, मॉर्निंग ग्लोरी, नाइट जैस्मिन, स्टार जैस्मिन और बोगनवेलिया। अब बात करते हैं पाँचवा नंबर फ्लावर प्लांट्स। तो फ्रेंड्स फ्लावर प्लांट्स बताने के लिए मैं नीचे का आपको मिटा देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए समर सीजन, समर सीजन में लगाए जाते हैं जिनिया, सनफ्लावर,
लिली, विनका, कॉस्मोस। फ्रेंड्स, मैंने उन फूलों के नाम ये यहाँ लिखे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आपको बिल्डिंग में इजीली मिल जाएंगे। मैंने जो रेयर में मिलने वाले फूल हैं उनके नाम नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये जो है इजीली हर बिल्डिंग में मिल जाएंगे। जब भी आएगी आपका गर्मी का सीजन आएगा तो उनमें से यही लगाए जाते हैं, जिनिया, सनफ्लावर, लिली, विनका, कॉस्मोस, हॉट डॉग, ऐसे करके बहुत सारे पौधे हैं छोटे छोटे। तो आप ये चार पांच याद रखिए, लिली नॉर्मली सब जगह मिल जाएगा, जिनिया मिल जाएगा, विनका, कॉस्मोस, ये इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विंटर सीजन। विंटर सीजन में कौन कौन से लगे होते हैं? पिटूनिया, पैंसी, गुलदाउदी, डहलिया, पॉपी, सेल्विया। फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं? सेल्विया। फ्रेंड्स, अब देखिए, ये हो गए बिल्डिंग में कौन कौन से प्लांट लगाए जाते हैं, समर सीजन में कौन से लगाते हैं, गर्मी में कौन से लगाए जाते हैं। अब रह गया ये रिसेप्शन पर कौन कौन से पौधे लगाए जाते हैं या इंडोर प्लांट कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडोर प्लांट्स, फिर आगे आता है 22वां क्वेश्चन, मोपिंग मशीन में कौन कौन से पैड यूज किए जाते हैं, मोपिंग मशीन में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, और क्लीनिंग केमिकल बिल्डिंग में कौन कौन से होते हैं। तो हम इन सारे की बात करेंगे अभी आगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ इंडोर प्लांट्स या रिसेप्शन पर कौन कौन से प्लांट लगाए जाते हैं, फिर मोपिंग मशीन के बारे में बता। ये रिसेप्शन पे, यानी हम ये बात कर रहे हैं कि इंडोर में यानी अंदर में, घर के अंदर जो प्लांट लगाए जा सकते हैं वो उनमें कौन कौन से लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पाम भी कई तरीके के छोटे छोटे आते हैं, वो भी लगाए जा सकते हैं, जिनमें से मैं एक लिख देता हूँ, लेडी पाम, ये अंदर लगाने के लिए सुटेबल है। ठीक है, लेडी पाम। एक आता है एस्परगस, एस्परगस, ये भी अंदर लगाया जा सकता है। उसके साथ आता है जड़े प्लांट, ये भी अंदर लगाया जा सकता है, जड़े प्लांट्स। और इसके साथ साथ लेडी पाम, एस्परगस, जड़े प्लांट और स्नेक प्लांट्स, एक आता है स्नेक प्लांट्स, ये भी अंदर लगाया जा सकता है, इंडोर या रिसेप्शन पे लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, फिर एक आता है पेडल प्लांट्स। फ्रेंड्स, एक और मैं लिख देता हूं, डिफनबेचिया। ये इतने प्लांट्स इंडोर लगाए जा सकते हैं। फ्रेंड, और भी प्लांट लगाए जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इंटरव्यू के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, प्लांट्स के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे हैं। तो इंटरव्यू में अगर आप इंडोर प्लांट लगाने में इतने नाम बता दिए तो वो मान लेगा कि ठीक है, इसको पता है। आपको जड़े प्लांट्स, डिफनबेचिया, स्नेक प्लांट्स, लेडी पाम, एस्परगस, पेडल प्लांट्स, ये सारे नाम बता देने हैं। और जैसे ही आप इन नामों को बता दोगे वो मान लेगा कि हाँ ठीक है। फ्रेंड्स, अब हाउसकीपिंग से रिगार्डिंग हम बात करते हैं। देखिए, तीन क्वेश्चन उसमें बनते हैं, उसने पूछे थे मेरे से। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा, मोपिंग मशीन में कौन से पैड यूज करते हो? तो फ्रेंड्स, मोपिंग मशीन में मैं आपको बताना चाहूँगा, मोपिंग मशीन जो होती है उसमें तीन तरीके के पैड इस्तेमाल होते हैं। एक होता है रेड, एक होता है वाइट और एक होता है ग्रीन। ठीक है, तीन तरीके के मैंने देखे हैं। फ्रेंड्स, रेड प्लांट जो होता है ये स्कर्बिंग के लिए होता है। काय के लिए होता है? स्कर्बिंग के लिए, यानी घिसने के लिए। व्हाइट पैड जो होता है फ्रेंड्स, व्हाइट पैड होता है पॉलिश के लिए, पॉलिशिंग के लिए। और फ्रेंड्स, व्हाइट पैड जो होता है, व्हाइट पैड प्लस लोहे की वूल आती है, उस वूल को लगा करके उसको भी यूज किया जाता है। इस तरीके से भी पॉलिशिंग के लिए और रबिंग के लिए उसको यूज किया जाता है। ग्रीन जो होता है फ्रेंड्स, स्पोर्ट स्क्रबिंग, यानी अगर हार्ड स्पोर्ट है, कोई हार्ड स्पोर्ट है यानी दाग जो है वो बहुत टाइट है, हार्ड स्पोर्ट है, मजबूत है, छूट नहीं रहा, तो ग्रीन पैड यूज करके उसको क्लियर किया जाता है। अब रही बात कि मोपिंग मशीन में कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो मोपिंग मशीन में फ्रेंड्स R7 टास्की के आते हैं, या डायवर्सी बोलते हैं, सॉरी टास्की की मशीन आती है, डायवर्सी। कौन सी कंपनी का? डायवर्सी, VERSEY, डायवर्सी के बोलते हैं हम, डायवर्सी के R7 केमिकल को यूज किया जाता है स्क्रबिंग और पॉलिशिंग के लिए, रिसेप्शन पे मोस्ट प्रोबेबली, और जो हार्ड सर्फेस जहाँ भी होता है। तो लास्ट क्वेश्चन है क्लीनिंग केमिकल इन बिल्डिंग। ये फ्रेंड्स, मैंने सारे केमिकल्स के जो है ऊपर वीडियो बनाया हुआ है जो हाउसकीपिंग से रिलेटेड हैं, उसके लिए मैं कार्ड में इसका, इस वीडियो का लिंक जो है मैं कार्ड में डाल दूंगा, और आप वहाँ पे अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये नॉर्मली अभी जो है 8 या 9 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन फ्रेंड्स इनमें 11 या 12 क्वेश्चन है, कुल मिला के 28 से 30 क्वेश्चन हो जाते हैं ये टोटल, जो उसने मुझे पूछे थे। और मैं ये आशा करता हूँ, आशा क्या, मैं विश्वास रखता हूँ कि अगर रेजिडेंशियल साइट में फैसिलिटी मैनेजर के लिए आप जा रहे हो
तो इन इन दोनों वीडियो को जो इंटरव्यू रिलेटेड मैंने दो वीडियो बनाई, दोनों वीडियो को देखने के बाद और उसको जानने के बाद मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।